राजनांदगांव जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान जारी है। बता दें कि राजनांदगांव जिला कोर्ट में लगभग 550 वकील हैं और अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुछ पदाधिकारी वोट जीत चुके हैं, साथ ही शेष के लिए चुनाव चल रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला न्यायालय में वकीलों के साथ होने वाली समस्या के लिए अध्यक्ष काम करेंगे और उनके ऊपर आने वाली कठिनाइयों के लिए सुधार का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता संघ का चुनाव है, हम सभी लोग अधिवक्ता लोग यहाँ आए हैं वोट देने के लिए। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो सशक्त हो, जो हमारे अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर सके और यहाँ जो न्यायालय में न्यायालय संबंधी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम चुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू। आज जिला अधिवक्ता संघ का निर्वाचन का आयोजन किया गया है और जिला निर्वाचन इसमें सभी लोगों ने अपने अपने सशक्त भूमिका निभाई है और जो भी सशक्त है हमने ऐसे व्यक्ति को वोट किया है जो सशक्त है और निश्चित रूप से उनके चुन के आने से न्याय व्यवस्था और जो वकीलों की जवाबदेही है, वकीलों की जो जिम्मेदारी है वो भी तय होगी और बहुत अच्छे सशक्त रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे जो जीत के आएंगे। वो मैं सभी साथियों को जो अभी चुनाव लड़ रहे सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव के 2024-26 को जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए मतदान आज प्रारंभ हुआ है, ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी और सचिव पद के चुनाव होने हैं। शेष पदों के जो चुनाव हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और प्रक्रिया भी जारी है। लगभग 550 के आसपास मतदाता हैं कुल और अभी तक 150-250 मतदान हो चुके हैं।